शहर में हो रहे भू धसाव की वजह से घरों में दरारें देखने को मिली है। एसडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस महानिरीक्षक एसडीआरएफ रिद्धिम अग्रवाल के दिशा निर्देश में एसडीआरएफ की आठ टीमों की प्रथम चरण में जोशीमठ में तैनात इन्हें किया गया है। एसडीआरएफ की ये टीम अन्य इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए एक और भू धसाव वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर रही है। वहीं दूसरी ओर दिन और रात प्रभावित क्षेत्रों में कड़ी नजर रखते हुए प्रभावित लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम भी कर रही है। बता केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान वैज्ञानिकों की देखरेख में लोक निर्माण विभाग की टीम भवनों को ढहाने का काम करेगी। दोनों संस्थानों की टीमें जोशीमठ पहुंच गई है। जोशीमठ में भूधसाव के चलते असुरक्षित हो चुके भवनों को गिराने का अभियान आज मंगलवार से शुरू होगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधु ने असुरक्षित भवनों को गिराने के निर्देश दिए। अब तक कुल जो है 678 भवन चिन्हित कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि सीबीआरआई की टीम ने सोमवार को मलारी इन और माउंट व्यू होटल का सर्वे किया। आज इन दोनों होटलों से भवनों को ढहाने की शुरुआत होगी। इन होटलों को अत्यधिक क्षति पहुंची है। एमकेएन न्यूज़ की डेस्क रिपोर्ट।